हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सानी और संडे के लेसन में आपका स्वागत है। 31 मार्च है, लास्ट दिन आज महीने का है। और चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक तो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे, उनके डिटेल्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हम डिस्कस करेंगे कुछ जो आज फैक्ट्स आए हैं उनको, और दो क्वेश्चन में आपको प्रीलिम्स जो पिछले साल का जो पेपर था उसका एनालिसिस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी थोड़ी मेहनत उसमें करनी है और मैं आपको सारा गाइड करने वाला हूँ। ये है पेनड्राइव कोर्सेज स्टडी आईक्यू के, और इन नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो। और स्टडी आईक्यू जो वेबसाइट है studyiq.com, उसको भी विजिट आप कर सकते हो। 60% ऑफ अभी चल रहा है, 31 मार्च तक मंथ एंड चल रही है, मंथ एंड सेल चल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है, और इसको ज़रूर से आप मंगवा लेना। अब जो MCQs मैंने आपको कल दिए थे उनको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 2018 में अभी रिपोर्ट आई है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है, और एक ट्रांजिशन वाली रिपोर्ट भी आई थी। अब इनमें कुछ डेटा निकल के आता है जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि संडे का लेसन है तो मैं इसको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, हमारे टारगेट्स मैंने आपको कल डिस्कस किए थे, और ग्रोथ जो है वो 4.8% की है, जो हाईएस्ट ग्रोथ है हमारी इन सारे कंट्रीज में जो बड़ी बड़ी है, चाइना है, यूएसए, इन सब के अंदर। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एमिशंस इन इंडिया वर हायर देन दैट ऑफ द यूएस एंड चाइना, तो ये गलत हो जाएगा। इन दोनों से एमिशन ज्यादा नहीं थे, ग्रोथ रेट ज्यादा थी, 1% चाइना की थी और माइनस में जो रेट थी वो यूएस की थी। तो ग्रोथ रेट का डेटा आया था, और जो पर्टिकुलर एमिशन है वो अभी तक उनके ज्यादा ही है, काफी ज्यादा है मतलब एमिशन तो, और इंडिया काफी पीछे है इसके अंदर। एक क्वेश्चन ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का कितना एवरेज का जो परसेंटेज होता है वो पर कैपिटा एमिशन है इंडिया का, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने प्लेज किया है CO2 एमिशंस को कम करने का। देखिए, प्लेज तो हमने किया है, लेकिन ये एक तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल नहीं है हमारा, मतलब 2005 जो है ये बोल रहे हैं उससे कंपेयर करके, और अब 2030 का जो एमिशन होंगे और उसके बाद जो होंगे वो कम करेंगे 2005 के कंपैरिजन में, तो ये हमारा टारगेट एक तो बनाया है। तो हमने 40% वाला ऐसा कुछ नहीं है, 40% तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसको उस लेवल से कम करने का हमारा टारगेट है, और आगे ग्रेजुअली फिर और कम करने का है, और उसमें सारे क्यूमुलेटिव इंपैक्ट होंगे। अकेला यही नहीं, जैसे मान लीजिए HFCs के रिगार्डिंग है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो क्या थी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी CFCs, जो फ्रिज वगैरह में यूज होती थी, एसी में यूज होती थी, उससे ओजोन का डिप्लीशन होता था, तो फिर ओजोन को रोकने के लिए और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर HFCs को लाया गया था, HCFCs और HFCs को, तो ये ओजोन को तो नष्ट नहीं करते, लेकिन अभी रिसेंटली ये समझ में आया कुछ सालों पहले स्टडीज जब हुई कि ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। अब ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है, ओजोन के लिए तो ये हार्मफुल नहीं है, और ये सॉल्यूशन तो निकल गया, लेकिन इनका पोटेंशियल जो है वो क्लाइमेट चेंज में बड़ा ज्यादा है। और दो अलग अलग इश्यूज हैं, हमेशा कंफ्यूज मत हो जाना आप इसमें, ओजोन का डिप्लीशन अलग इशू है और जो क्लाइमेट चेंज है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है वो अलग इशू है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें ओजोन का डिप्लीशन बढ़ रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ओजोन का डिप्लीशन होने के बाद में इनडायरेक्टली टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सीधी आती है फिर, और वो हीट जो है उनसे ज्यादा ही निकलती है, तो ये सब इनडायरेक्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था, वैसे 88 में जाके ये एनफोर्स हुआ था, ठीक है, और सबसे अभी तक की सक्सेसफुल ट्रीटी भी रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट इंटरनेशनली हमें मिला है वो ओजोन वाले एरियाज में ही मिला है, सॉरी जो ओजोन डिप्लीशन का जो रोकने का जो हमारा एम था उसमें मिला है, लेकिन HFCs ये कर रही थी ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, HFCs का भी अभी प्लान बन गया है, किगाली अमेंडमेंट हुआ था आपको याद होगा, और उसके बाद में ये डिसाइड किया गया था कि HFCs को भी फेज आउट किया जाएगा, तो उसके लिए भी अलग अलग टारगेट्स बनाए हैं, और हम उसमें कैटेगरीज बनाई थी अलग अलग देशों की, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको सबसे पहले टारगेट में इनको लेना है, और हम जाके आगे 2040s में जाके इसको करने वाले हैं इंप्लीमेंट, और उस टाइम तक हम धीरे धीरे इसको कंट्रोल करेंगे फिर फेज आउट करेंगे, तो वो जो एम है वो भी क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ही है। तो ये सारे आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीजें क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है, कौन सी वाली ओजोन डिप्लीशन के रिगार्डिंग है, और ये जो CO2 एमिशन है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें। अब देखिए होता क्या है, कोई भी ये जो गैसेस हैं इनके अंदर कैपेसिटी होती है हीट को ट्रैप करने की, कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ कैपेसिटी होती है, इससे 20 गुना ज्यादा होती है CH4 मीथेन की, और वाटर वेपर जो होती है, ठीक है, वाटर का वेपर, उसकी भी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ज्यादा कैपेसिटी होती है पानी की भाप की, कि वो अगर ह्यूमिडिटी है एनवायरमेंट में तो बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए बारिश के मौसम में जब थोड़ी सी बारिश होकर रह जाती है और पहले से गर्मी होती है तो और ज्यादा गर्मी हो जाती है और एकदम अनबियरेबल गर्मी हो जाती है, इतना पसीने पसीने निकलने लग जाते हैं, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी जो होती है वो सारी हीट को ट्रैप कर लेती है, वो जब पानी गिरता है तो जमीन से गर्मी निकलती है, वो सारी ट्रैप हो जाती है उस वहां पर ह्यूमिडिटी के अंदर, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को ट्रैप कर लेती है,
और जो गैस है जैसे मान लीजिए SF6 है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसकी बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है, कई हज़ार 20,000 गुना कैपेसिटी ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड से देखें तो। तो ये तो एक चीज़ ये है। तो दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो कैपेसिटी ज़्यादा किसकी है, ज़्यादा हीट को ट्रैप करने की, एक कौन से लंबे टाइम तक रहती है एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे HFCs हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती हैं एनवायरनमेंट के अंदर और फिर वो हीट ट्रैप करती रहेंगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो है वो तो यूज़ हो जाती है, पेड़ पौधा यूज़ कर सकते हैं, उसको हम फिक्सेशन भी कर सकते हैं, लेकिन और जो कुछ गैसें हैं वो इस तरह से रहती हैं एनवायरनमेंट में और वो चेंज भी नहीं होता उनका स्टेटस और वो हीट ट्रैप करती रहती हैं। और हीट ट्रैप वाला हीट बजट का जो इशू था वो मेरा संडे का एक लेसन था, फरवरी में आया था, वो आप जरूर से देख लेना, उसमें हीट कैसे होती है, क्योंकि हीट वापस निकलती है धरती से और वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाती है, वही हीट जो है ट्रैप कर लेती हैं ये गैसेस जो एटमॉस्फेयर की होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, वाटर वेपर भी होती है, SF6 वगैरह ये सब भी होती है और HFCs भी इसी में आती है, तो ये सारी हीट को ट्रैप करती हैं और उससे एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। और हमने गोल बनाया है 2100 की साल तक का कि कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हम और प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था उससे और वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे उससे, लेकिन ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और ये नियरली इम्पॉसिबल बता रहे हैं कुछ स्कॉलर्स इसको। और वही रेटोरिक्स की बात भी है, अब जैसे वही जैसे हम स्कीम लॉन्च करते हैं तो बात करने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ते हैं, सब चीज़ हम परफेक्ट मतलब गोल बना लेते हैं कि हाँ बस ये स्कीम आ गई तो सारे सोल्यूशन निकल जाएंगे, तो वैसे ये लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री तक भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन वही बात है इंटरनेशनल जुमले भी साबित हो रहे हैं क्योंकि जो रिपोर्ट्स IPCC वगैरह की वो सब ये कह रहे हैं कि अगर इसी ढंग से चलता रहा तो 1.5 तो छोड़िए 2 डिग्री भी हासिल नहीं होने वाला है। तो सब देशों को इसके लिए बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे और अभी बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठने की बात हो रही है। अभी देखिए स्कूल्स में प्रोटेस्ट हुए थे बच्चों के, उन्होंने बोला कि हमारा फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है, स्टेप्स उसके लिए उठाइए। और अमेरिका में जो इस तरह की बातें चल रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हॉक्स है, सब कुछ ट्रंप ने जो बोला, तो इनके लिए कंसर्न बढ़ रहे हैं। और हर साल देखिए क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज तो है ही है, सस्टेनेबल फ्यूचर भी खतरे में आ गया है। एक होता है अर्थ ओवरशूट डे, उसमें ये होता है कि एक साल के अंदर एक पूरा कोटा है अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज का कि वो हम यूज़ करते हैं और वो रिसाइकल भी होते रहते हैं, लेकिन अब ह्यूमैनिटी इतनी ज़्यादा एक्सप्लोइट कर रही है अर्थ को कि मान लीजिए 31 दिसंबर तक का जो कोटा है उसको हम 31 दिसंबर से पहले ही पूरा कर रहे हैं और अब ये डेट खिसकती, नवंबर आई, फिर अक्टूबर आई, फिर सितंबर आई, अभी अगस्त में आ गया, मतलब अगस्त में ही हम सारे रिसोर्सेज जो 31 दिसंबर तक हमें यूज़ करने हैं, एक्सप्लोइट करने हैं, वो हम पहले ही खत्म कर देते हैं। इसका मतलब उसके आगे जो चल रहा है वो एक तरह से हम क्रेडिट ले रहे हैं अर्थ से, और ये कोई लोन नहीं है जो वापस चुकाया जा सकेगा, ये एक इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है। तो वो जो कोटा हम पूरा कर लेते हैं वो एक डेट डिसाइड होती है हर साल के लिए कि भाई हाँ इस साल इस डेट को हम पूरा कोटा पूरा कर लेंगे और इसके बाद में जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक्सेस में है, वो बर्बाद कर रहा है। तो ये अर्थ ओवरशूट डे होता है, तो वो सस्टेनेबल फ्यूचर के रिगार्डिंग है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैं सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स में एनवायरमेंट के सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 20 से 25 क्वेश्चन की जब बात होती है तो बहुत बड़ी बात होती है, तो ये सारे डेटा बड़े इंपॉर्टेंट है और इनसे जो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एनवायरमेंट के सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे IPCC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो 2 डिग्री का टारगेट बनाया और 1.5 डिग्री के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये सारे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है। और यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस की रिपोर्ट आई है तो वो 4.8% से हम ग्रो कर रहा है हमारा एमिशन, तो ये चिंताजनक विषय है क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और जैसे अब बातें उठने लगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जैसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस वो है एंड करने की बात कर रहा है अमेरिका, रीजन उसका दूसरा है, लेकिन बोल कह रहा है कि इंडिया कोई इतना ऐसा देश नहीं है गरीब और जिसको इतने सपोर्ट्स वगैरह की जरूरत है। तो ऐसे में हमारे जो क्लेम्स हैं इंटरनेशनल कि हमें सपोर्ट चाहिए है डेवलप्ड नेशन से, वो खोखला पड़ जाता है अगर हम एमिशन खूब बढ़ाते हैं तो। लेकिन ये बात भी ऑब्वियस है कि अब बढ़ेगा ही, हमारा डेवलपिंग स्टेज में कंट्री है और डेवलपिंग स्टेज में जब होता है तो काफ़ी एमिशन बढ़ने ही बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड है अभी तक के लिए, क्योंकि अभी इतना स्पीड से नहीं बढ़ रहे थे। आज देखिए जो भी नया घर लगता है उसमें AC लग जाता है, जो भी कोई नया अपना कुछ भी स्टार्ट करता है तो वो व्हीकल लेके आ जाता है, तो ये सब एमिशंस कर रहे हैं। और अभी हमारे जो एनर्जी का जो यूज़ है वो अधिकतर कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर ही है, कोल से बिजली बना रहे हैं और क्रूड ऑयल वगैरह से यूज़ करके पेट्रोल डीजल बना रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और उन सब के ऊपर बायोडीजल वगैरह पे नहीं आए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं और यूरो नॉर्म्स जो हैं जैसे BS4 जो इंजन की बात आती है वो किसके रिगार्डिंग है, वो एमिशंस के रिगार्डिंग ही है। और
हम BS 4 से सीधा जो है BS 6 पे आने वाले हैं, 5 को हम स्किप कर रहे हैं, 2020 तक हम ये 6 लेके आ जाएंगे। तो ये हम टारगेट से ज़्यादा हमने एम्बिशियस बनाया है कि 5 तो हम लाएंगे नहीं, सीधा 6 लेके आएंगे, और ये यूरो 6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही है। तो ये एमिशंस होते हैं इन जो गाड़ियों के अंदर होते हैं, और वो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाते हैं उससे रिलेटेड ये होता है। तो ये भी चीज़ रिलेटेड है इन सब चीज़ों से। जब एमिशंस की बात करते हैं तो ये सारे ही एमिशंस के एरिया को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, पूरा ध्यान से लेसन को सुनना, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और ये दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही इसमें स्टेटमेंट गलत हो गया, डी नाइन का आंसर होगा। सेकंड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब देखिए दो तरीके से है जो इसमें पूछा, जियोग्राफिकली तो जियोग्राफिकली जो है वो लद्दाख है सबसे बड़ी, इसका एरिया इतना बड़ा है, देखिए 173,266 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया की। और जो दूसरा जो ऑप्शन है वो है सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, स्पीति वैली के अंदर, ठीक है, स्पीति वैली के अंदर है, और वहां पर उसके जस्ट साउथ में सतलुज रिवर भी जाती है, इस विलेज के नीचे अगर देखें सतलुज रिवर जाती है, सतलुज रिवर इंडिया में। और अगर आप मैप देखें तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, यहां पर शिपकीला है और शिपकीला से एंटर करती है सतलुज, ठीक है। लैरन जैंगपो इसको बोलते हैं, यारलंग जैंगपो तो ये बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया में होती है, वो तो तिब्बत से निकलती है तो उसको यारलंग जैंगपो बोलते हैं, और लैरन जैंगपो जो है वो सतलुज को बोलते हैं, इंडिया में सतलुज बोलते हैं उसको। और शिपकीला से एंटर करती है, इसके जस्ट नॉर्थ में यहाँ पर ये टाशीगांग विलेज है, ठीक है, ये इसके पास ही मोनेस्ट्रीज वगैरह भी हैं, और टैबो मोनेस्ट्री जो है, जो कल क्वेश्चन मैंने दिया था, टैबो मोनेस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, PIB में क्वेश्चन आया था, वो भी इसके नॉर्थ में ही लोकेटेड है, बड़ी इंपॉर्टेंट है दलाई लामा वाले इशू के रिगार्डिंग, तो टैबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है, तो वो भी यहीं पर है, ठीक है, याद रख लेना। और यहाँ देखिए इलेक्टर्स सिर्फ 1.5 लाख के आसपास ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, कोल्ड डेजर्ट है, और वैसे वो सोनम वांगचक वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो आइस स्तूपा वाला क्वेश्चन था तो वो भी इसी एरिया से ही रिलेटेड था। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर नहीं है, लद्दाख सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी है। देखिए ये वाली लोकेशन है, यहाँ पर से शिपकीला से सतलुज एंटर करती है, और आपको याद रखना है सतलुज है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है व्यास, व्यास जो ऊपर से निकलती है रोहतांग पास से और इसमें मिल जाती है, इस सतलुज रिवर के अंदर मिल जाती है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे इंडिया में ही मिल जाती है, ये व्यास है और ये सतलुज, ये चीजें हैं, ठीक। नेशनल हाईवे 22 है जो खाप को शिमला से कनेक्ट करता है, शिमला इधर है और शिमला से इधर ये सीधा हाईवे जाता है, तो ये इंडो तिब्बत बॉर्डर भी यहां पर लगता है, आपको पता है ये पासेस बड़े इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर लेक है यहां पर, और मानसरोवर लेक से निकलती है इधर तो जाती है जो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, और इधर सतलुज आ जाती है, ठीक है, ये मानसरोवर लेक से निकलती है, आपको याद रखना है, और ये इंडिया में एंटर करती है दोनों तरफ से, ये काफ़ी ऊपर का हाइट वाला एरिया है इसलिए इधर आती है रिवर्स, और ये एंटीसीडेंट रिवर्स कहलाती हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स मतलब कि हिमालय बना था जब 6.5 करोड़ साल पहले, उससे पहले से ये रिवर्स थी यहाँ पर, और वो यहाँ पर टेथ सी होता था, उसमें गिरती थी टेथ सी के अंदर, लेकिन जब वो ऊपर उठ गया और हिमालय उससे बन गया, तो वो हिमालय का जो रॉक सिस्टम है उसका सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, तो उसको गला गला के उसमें गोर्जेस बना के ये रिवर्स जो है वो इधर से ही क्रॉस कर जाती हैं इन रेंजेस को, तो इतना हार्ड रॉक से नहीं बना हुआ है हिमालय, सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, अरावलीज जैसे है वो काफ़ी हार्ड रॉक से बना हुआ है, इसलिए वो करोड़ों सालों से अभी तक भी टिका हुआ है, और हिमालय जो है वो इतना लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा क्योंकि सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है। तो ये एंटीसीडेंट रिवर्स है जो हिमालय के राइज होने से पहले ही यहाँ पर थी, और ये अभी इसमें से गोर्जेस काट काट के या फिर पासेस काट काट के हिमालय से इधर आ जाती हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये दोनों ही इस तरह का सिस्टम है। इंडस गोर्ज है जो सबसे दुनिया का बिगेस्ट में से आता है, ये इंडस गोर्ज इस तरह से आता है, तो यहाँ बहुत बड़ा गोर्ज काटती है गिलगित एरिया में, तो वो भी ऐसा ही है कि वो सॉफ्ट रॉक को गला गला के नदी उसकी इरोजन पावर जो है उससे गला के वो रास्ता निकाल लेती है। तो ये एंटीसीडेंट रिवर वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट है INS कदमत के बारे में। देखिए अभी न्यूज आई थी कि ये जो लीमा होने वाला है, मलेशिया में हो रहा है लीमा, लांकाई इंटरनेशनल मैरिटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, लांकाई मलेशिया के अंदर है, एरोस्पेस मतलब जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनका भी एग्जीबिशन होता है, और जो शिप्स वगैरह होते हैं उनका भी होता है। तो INS कदमत अभी फरवरी 19 में ही, और ये कमीशन हुआ था, इंडक्ट हुआ था नेवी के अंदर, और ये क्या है, 4 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स हैं। कॉर्वेट्स क्या होते हैं, छोटे टाइप के वॉरफेयर के वेसल्स होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट 29 एक है, उसके अंदर 4 बनाए गए थे, उसमें से दूसरा है ये INS कदमत,
और ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स हैं कोलकाता के अंदर, पूछ सकते हैं आपसे, जैसे मजगांव डॉक लिमिटेड है वो गोवा में है, ये कोलकाता में है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, तो ईडन गार्डन के नाम से आप इसको याद कर सकते हो, तो कोलकाता में है। प्रोजेक्ट 28 के अंदर ये बनाई गई है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स, मतलब जो सबमरीन्स को दुश्मन की आ सकती हैं उसके अगेंस्ट में ये काम करेंगे। जैसे अभी अपने एंटी सेटेलाइट छोड़ा, नाग मिसाइल होती है, एंटी टैंक मिसाइल होती है, वैसे ये एंटी सबमरीन है आईएनएस कदमत, तो ये अभी इंडक्ट हुई थी फरवरी के अंदर ही, और ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर अभी ये इंडक्ट हुई है फरवरी में ही, तो ये इसमें हिस्सा लेने वाली है। इंडिजिनस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, ठीक है। और दूसरा, ये इंडोनेशिया में नहीं हो रहा है, ये मलेशिया में हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ओनली वन इसका हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि मलेशिया है, इंडोनेशिया नहीं है। अब ये है फोटो कदमत जो इंडक्ट किया गया था, ये 15th एडिशन होने वाला है लीमा का, उसमें भाग लेगा, और वाइस एडमिरल करमवीर सिंह जो नए हमारे चीफ बन गए हैं, ये भी एक करंट अफेयर का इशू है, वो इसमें हिस्सा लेंगे, वो इसको देखेंगे। और म्यांमार के थ्रू हम जाने वाले हैं उधर, म्यांमार में जो यंगोन वाला जो एरिया है उधर से ये पास होने वाला है, और लॉन्ग का भी जो है मलेशिया में, ये आपसे सीधा पूछ लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। कलाईकुंडा में जो हमारा एयरफोर्स स्टेशन है वहां से जाएगा। एक बात ये है कि आईएनएस कदमत ही नहीं, जो ये तो हो गया मैरिटाइम वाला एरिया, जो एयरो एग्जीबिशन है उसके अंदर हमारा LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो वो हिस्सा लेने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी हमने कंफर्मेशन दे दिया था, उसका कुछ कंफ्यूजन एक बार हुआ था लेकिन बाद में हमने कंफर्मेशन उसका दे दिया है, तो तेजस ये होगा, तो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब बात करें इस प्रोजेक्ट 28 की, तो कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स हैं सारे, कमोर्ता नाम है इसका और प्रोजेक्ट 28 इसको नाम दिया गया है, कमोर्ता क्लास की ये है, जैसे स्कॉर्पियन क्लास होती है उसमें सबमरीन्स होती हैं, ये एक वेसल्स हैं कॉर्वेट की, वेसल्स कॉर्वेट वेसल्स होती हैं, और एंटी वॉरफेयर होती है, सॉरी वॉरफेयर होती है, एंटी सबमरीन होती हैं, तो इसमें डिफरेंस है, स्कॉर्पियन क्लास ये खुद सबमरीन्स हैं और ये एंटी सबमरीन्स वॉरफेयर वेसल्स हैं, तो कमोर्ता क्लास इनका नाम है, और इंडियन नेवी के अंदर ये दी जा रही है, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता वाले इसको बना रहे हैं। आईएनएस कमोर्ता ये पहला था, ये 2005 में इसका काम स्टार्ट हो गया था, उसके बाद आईएनएस कदमत है, इसके बाद आईएनएस किल्तन है, और आईएनएस कवरत्ती है। देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे लक्षद्वीप जो आइलैंड चेन है उसके अंदर अलग अलग आइलैंड्स हैं, उनके नाम पे नाम सारे रखे गए हैं, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हो। कामोर्ता भी वहां पर आइलैंड है, कामोर्ता आइलैंड है, कदमत आइलैंड है, कवरत्ती द्वीप वहां पर है, और मिनिको, ये सब जो है वो उसके नाम पे ये रखे जा रहे हैं सारे नाम, तो ये लक्षद्वीप आर्किपेलागो जो है उसके नाम पे सारा इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, धनुष लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस साल आ रही हैं। एक तो जो 777 जो गन्स हैं, जो होविजर हमने कहाँ से ली थी, अमेरिका से, चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो ट्विन इंजन वाला है, जो दो पंख हैं उसके अंदर, दो फैन लगे हुए हैं, एक्चुअली वो इंजन होते हैं, तो वो चिनूक वो भी हमने अमेरिका से लिया है। एक हमने खुद से इंडिजिनस जो डेवलप किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो धनुष जो है वो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स हैं, ठीक है, और ये आर्मी में इंडक्ट किया गया है, और ये रशिया से प्रोक्योर नहीं किया गया, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिजिनसली डेवलप किया हमने, रशिया से नहीं लिया है, इसलिए गलत है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी होविट्ज़र ही, होविट्ज़र एक आर्टिलरी गन सिस्टम होता है, तो धनुष इसका नाम है। अब ये है क्या, ये एक्चुअली पहले बोफोर्स जो तोप होती थी, इसका घोटाला जो काफी फेमस रहता है, स्वीडन से हमने वो बोफोर्स तोपें ली थी, उसको अपग्रेड करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके और अपग्रेड किया हमने वेरिएंट और धनुष, उसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज जोड़ी गई है बहुत सारी, उनका नाम अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका अपग्रेडेड ये वर्जन है, इसलिए ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इंडिजिनसली डेवलप्ड है और अपग्रेडेड वर्जन है स्वीडिश बोफोर्स का। नेक्स्ट, इसके और दूसरी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है वो बात करें, तो एक तो हमने 5,000 करोड़ की डील यूएसए की थी M777 गन्स की, और 4,300 करोड़ की K9 वज्रा हमने ली थी साउथ कोरिया से, लिया K9 वज्रा हमने साउथ कोरिया से ली है, याद रखना M777 जो होविट्ज़र है वो अमेरिका से ली है, और अभी चिनूक जो आया था वो भी हमने अमेरिका से लिया है, तो ये काफ़ी नए ब्रीदर्स आ रहे हैं, मतलब कि आर्मी को थोड़ा सपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इस तरह से दिखती है ये, जैसे M777 है वैसे ही ये धनुष है, एकदम वैसे ही ये दिखती है, और मेजर कॉम्बैट आर्मी होगी इंडियन आर्मी के लिए LOC के ऊपर। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कारगिल युद्ध हमारा हुआ था, कारगिल वॉर के अंदर इसकी काफी जरूरत पड़ी थी, और उसके लिए स्पेसिफिकली LOC के लिए डेवलप की गई है, वहां पर ये काफी ज्यादा काम आने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ में, कुछ भी अगर ऐसा एस्केलेशन होता है तो।
और ये इसको बनाया किसने, डेवलप किसने किया है, जबलपुर में गन कैरियर फैक्ट्री है वहां पर ये मैन्युफैक्चर हुई है, डेवलप किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो स्टेट ओन्ड होता है और कोलकाता में ये है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ, धनुष होवित्ज़र्स मेक आउट रेंज पाकिस्तानी आर्टिलरी यूनिट्स मोर वल्नरेबल टू इंडियन काउंटर बैटरी फायर। और ये कारगिल वॉर में हमें जरूरत पड़ी थी इनकी, लेकिन उस टाइम पर ये नहीं पॉसिबल हो पाया था, अभी हमने खुद से इसको डेवलप कर लिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके अगर क्वेश्चन डिफेंस से आता है तो जरूर इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए अभी जो यूज की जा रही है वो है FH-77B, ये धनुष आने से पहले अभी ये यूज की जा रही है, इसकी रेंज है सिर्फ 24 किलोमीटर और अभी जो ये धनुष होने वाली है जो अपग्रेडेड वर्जन है बोफोर्स का इसकी होगी 38.4 किलोमीटर, तो काफी बड़ी इसकी रेंज है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कौन कौन से सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो AGAPS लगा हुआ, ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट और पोजीशनिंग सिस्टम, ऐसे ही इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जिसमें GPS का अपडेट आता है, शक्ति आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक आर्मी का है, बहुत इंपॉर्टेंटली हमने डेवलप किया था, शक्ति नाम था उसका, आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वो जो कंट्रोल होता है सारा उसका मूवमेंट, वो भी इसमें इनेबल किया गया है। दूसरा इसमें जो मैंने आपको नाम बताया इसका नाम जरूर से याद रखना, ये AGAPS ACCS ये क्या चीजें हैं, ऐसे एक अवाक्स है जो एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्ट में लगता है, वो जो हमने कहां से लिया था, इसराइल से लिया था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है और सर्च एंड टारगेट एक्विजिशन साटा एक इंपॉर्टेंट इसमें लगा हुआ है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने बोला है सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल प्लेयर हो गया है, ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए नाम क्या है, ये PSU है, नवरत्न PSU, नवरत्न कैटेगरी होती है, नवरत्न PSU ये है, फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन है जो पावर सेक्टर के अंदर फाइनेंस का काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है, अभी RBI नहीं है SBI है, सबसे बड़ा RBI तो देखिए वैसे ही एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारा देश का सेंट्रल बैंक है, तो ये नहीं हो सकता, SBI सबसे बड़ी फाइनेंसिंग एजेंसी है इंडिया की अभी तक देखा जाए तो, अगर कैपिटल वाइज देखा जाए तो, मार्केट कैपिटल देखा जाए तो, तो अभी SBI के बाद में ये PFC बन गया है, क्यों, क्योंकि इसने अभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एक होती है जो रूरल एरियाज में फंड करती है इलेक्ट्रिफिकेशन को, जो स्टेट बोर्ड्स वगैरह होते हैं इन सबको ये फंड करते हैं, तो ये और इस RCE को PFC ने खरीद लिया है, इसका सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसने चुका दिया है, इसके स्टेक्स खरीद लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थे REC के, और जो मिनिस्ट्री है हमारी पावर की उसको पेमेंट कर दिया है PFC ने, और PFC अब सबसे बड़ा ये हो गया है पावर के एरिया में, और वैसे फाइनेंस गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंस प्लेयर देखा जाए जो फाइनेंस करते हैं उसमें SBI के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ये हो गया है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें RBI लिखा हुआ है। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स जो है हमारे जैसे कुर्जा में है, इधर अभी न्यूज में आया था, ये सब बड़े बड़े प्लांट्स हैं और इनके लिए नोडल एजेंसी इंप्लीमेंट कराने के लिए PFC, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनेंस की अवेलेबिलिटी देती है जो सबसे बड़ी नीड होती है। ये इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 1986 में डेवलप हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी और पावर सेक्टर के लिए फाइनेंशियल बैकबोन बोली जाती है, और ये अभी देखिए तो चेंज हो गया है नेटवर्थ इसका, और हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग CPSE है, आठवीं हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग CPSE ये था, अभी ये चेंज हो जाएगा क्योंकि REC लिमिटेड जो है, REC लिमिटेड पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता था, और ये भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को ये प्रमोट करती थी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स हैं या NGOs वगैरह जो भी इसमें काम करते हैं, जो डेवलप करते हैं पावर सेक्टर को रूरल एरियाज में, उसको ये फाइनेंस करता था, इसको खरीद लिया है PFC ने, सारे इसके पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसने कर दिया है, तो ये आपको याद रखना है, तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और देखिए ये सारा डिटेल्स उसी का ही है, PFC का ही है कि किस किस तरह से हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस साल हमने बनाया है 90,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट और 17-18 के लिए था 80,000 करोड़ रुपए का टारगेट। ये क्या है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे गवर्नमेंट के PSU स्टेट के ओन्ड है, उनके अंदर गवर्नमेंट का शेयर है, कोई अंदर 60% है, 70% 80% है, उसको अब गवर्नमेंट बेच रही है, और वैसे अगर बात की जाए देशभक्ति की इन सब की तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, क्योंकि हम जो स्टेट ओन्ड होते हैं गवर्नमेंट के पास जो है उनके स्टेक्स बेचते जा रहे हैं, एयर इंडिया है उसके अंदर था गवर्नमेंट का, अब उसको बेचने की तैयारी है, और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उनको खरीद रही हैं और वो फिर उनको ले जा रही हैं और उनका फायदा हो रहा है। अब देखिए एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं उनको भी हम देने की बात करें तो ये हर तरीके से सारे जो मूव्स हैं वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट इसको अचीवमेंट की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन एक तरह से अगर इसका नेगेटिव क्रिटिसिज्म कोई करता है एलिगेशन जैसे कि है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास थे, अब गवर्नमेंट इनको बेच के पैसा कमा रही है, मतलब कि जैसे आपके पास कोई मकान है, 3-4 मकान, उसमें से आप एक बेच रहे हो
तो आप बेच तो रहे हो लेकिन कल को आपके पास मकान थोड़ी रहेगा। तो ये क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं कई पीएसयूज, इसलिए इनके स्ट्रेटेजिक सेल्स होती हैं, स्ट्रेटेजिक सेल्स इनका बोलते हैं इसको, और वैसे इसको नाम दिया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, कि हमारा स्टेक्स था इसमें गवर्नमेंट का, अभी हम इसको बेच रहे हैं। तो देखिए इसमें डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट गवर्नमेंट ने किया, अभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो था उसमें गवर्नमेंट के जो स्टेक्स थे वो अब पीएफसी को चले गए हैं। पीएफसी एक पीएसयू ही है, दूसरा है, लेकिन सीधे गवर्नमेंट के पास थे, वहां से वो बेच के और पीएफसी के पास चले गए हैं। और ये 80,000 करोड़ का जो टारगेट है एक साल में बनाया था उन्होंने 17-18 के लिए, वो लगभग पूरा इसमें हो जाएगा। और नेक्स्ट साल के लिए है 90,000 करोड़ रुपए का टारगेट। तो अभी अगर मान लीजिए एयर इंडिया और बिकता है तो उसके जो सेल्स सेल जो होंगे स्टेक्स वगैरह वो इसमें काउंट होंगे, 90,000 करोड़ के अंदर वो आएगा कि इसमें ऐड होगा वो सारा, ठीक है। तो ये टारगेट्स बना रही है गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से कि डिसइन्वेस्टमेंट से हमें टारगेट बनाने हैं, उसके लिए अलग से बॉडी भी बनाई गई है। मनी जो है पीएफसी ने इन बैंकों से रेस की है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये स्ट्रेटेजिक सेल्स के लिए बोला था कि 52.63% जो पेड अप इक्विटी जो है वो REC के पास है और इसको पीएफसी को बेचा जाएगा, तो ये उसके तहत हुआ है। और अभी दोनों का ये देखिए REC और PCPFC दोनों ही नवरत्न कंपनी थी। ये नवरत्न क्या होता है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, तीन कैटेगरीज हैं PSUs के लिए, उनकी जो मतलब जो रेवेन्यूज वगैरह होते हैं, प्रॉफिट वगैरह होते हैं उसके हिसाब से और कैटेगरी में बढ़ा जाता है। महारत्न सबसे बड़ी कैटेगरी है और ये नवरत्न कंपनीज है, और 50,000 करोड़ के आसपास इसमें एनुअल रेवेन्यू कंबाइंडली होने वाला है जो अभी PFC को होगा। नेक्स्ट बात है मैप बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें मैप देखते हैं, मैक्सिको और ट्यूनिशिया ये इस लैटिट्यूड पर नहीं आते हैं, बाकी आएंगे। देखिए ये मंगोलिया यहां पर है, ये फ्रांस है और ये है रोमेनिया, तो लगभग एक ही लैटिट्यूड के ऊपर आ गए ये। लेकिन ट्यूनिशिया ये नीचे है और मेक्सिको ये भी नीचे है, तो एक लैटिट्यूड के ऊपर ये लोग, ये कंट्रीज नहीं आ पाएंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा था, इस तरह से आप क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, तो 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा, 4 और 5 नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको ऑड वन आउट दिमाग लगाना, थोड़ा सा ऑड वन आउट पिक करना था, इसमें क्या चीज थी, किसी आधों को लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए अगर आप देखेंगे मैप, आपने ध्यान से देखा है तो ये कंट्रीज, कम से कम आप कंट्रीज तो देखा ही कीजिए, सिटीज नहीं तो कंट्रीज तो देखा ही कीजिए लोकेशन उनकी। अब देखिए ये सारी कंट्रीज जो है वो साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज है, माली और बर्किना फासो ये दोनों कंट्री है साथ साथ है, ओमान और येमन दोनों साथ साथ है, लाओस और कैम्बोडिया भी इनके बॉर्डर्स टच होते हैं, एक ही बॉर्डर दोनों का, लेकिन चाइना उज्बेकिस्तान का बॉर्डर एक नहीं है। देखिए ये यहाँ माली है, ये बर्किना फासो है, ये येमन है, ये ओमान है, ये लाओस है और ये कंबोडिया है, दोनों के यहां पर ये बॉर्डर है, एक ही बॉर्डर है, ये चाइना है, ये यहां का इसका बॉर्डर है, और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर बड़ा ही अजीब है लेकिन ये टच नहीं होता है इसको, ठीक है। ये देखिए यहां पर ये टच नहीं हो रहा है इसको, और ये यहां इस तरह से जा रहा है, इधर टच हो रहा है ये, तो ये है, तो ये बॉर्डर जो है वो एक नहीं है दोनों का, उज्बेकिस्तान और चाइना का। किर्गिज टेररिस्ट की बात आती है तो किर्गिस्तान इसके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है, तो इससे इसके टच होती है बाउंड्री, एक तजिकिस्तान की होती है। इंडिया के अगर पास कौन सी कंट्री इसकी बात की जाए तो तजिकिस्तान पड़ता है, लेकिन देखिए ये छोटा सा पतला सा एक एरिया आता है, स्ट्रिप आता है, 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, तो वैसे तो ये POK है लेकिन ये इंडिया के अंदर टच होता है, ऑफिशियली इंडिया की टेरिटरी है ये POK, और इसमें अफगानिस्तान आके थोड़ा सा उंगली टच करता है ऊपर से आके, तो ये 80 किलोमीटर का सबसे छोटा बॉर्डर हमारा ऑफिशियल बोला जाता है। सबसे बड़ा हमारा बॉर्डर कहाँ है, बांग्लादेश के पास है, 4,096 किलोमीटर का ये बॉर्डर है हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जहां आपस में कोई मान लीजिए छोटा सा टच हो रहा है या फिर दूर दूर है, तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी ये टेरिटरीज वगैरह जरूर से देख लेना, और जो कंट्रीज अफ्रीका की हैं और खासकर मिडिल ईस्ट की हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये तो बात थी कल के क्वेश्चन की, आज का अपडेट देखते हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो अभी 45th C-45 वो होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट मिशन एक होने वाला है इंडिया का, उसका नाम है एमिसेट, उसको बोला जा रहा है, वो एमिसेट लेके जाएगा, सैटेलाइट है एमिसेट, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पूरा मतलब मिलिट्री को हेल्प करने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और होस्टाइल टेरेन्स जहां पर होते हैं वहां पर मिलिट्री को काफी हेल्प करने वाला है। और एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अभी तक की लॉन्गेस्ट फ्लाइट होने वाली है PSLV की, जो लगभग 3 घंटे के आसपास होने वाली है, ठीक है, 180 मिनट तक लगभग ये टिकने वाली है आसमान में, तो ये अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट इसकी होगी। इसमें और भी देशों के वो सैटेलाइट हैं, वो उसमें उसको प्लेस करेंगे अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर, और पहली बार ये कह रहे हैं कि 3 ऑर्बिट्स में हम डालने वाले हैं, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगा इस बार। देखिए 2017 के अंदर PSLV-3 C-37 रॉकेट सिस्टम था,
और इसने क्या किया था, P-37 ने 104 स्मॉल सैटेलाइट्स एक साथ प्लेस किए थे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, ठीक है। और ये उस टाइम, उसके बाद ये अभी तक ऐसा फीट दोबारा अचीव नहीं किया गया था, उससे पहले 104 से कम ही थे, 104 हमने सबसे ज़्यादा उस टाइम पर किए थे। तो ये ऐसे अचीवमेंट्स लगातार कर रहा है हमारा इसरो, और PSLV बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें टूल साबित हुआ है, लगातार इसके फ्लाइट्स आ रही हैं, लगातार सक्सेसफुल भी हो रही हैं। GSLV में फिर भी शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई थी और वो फेल हुए थे, लेकिन अभी वो भी सक्सेसफुल चल रहे हैं। GSLV जो हैवी सैटेलाइट्स को लेकर जाता है, और PSLV लगातार सक्सेसफुल रहा है। तो ये आपको याद रखना है, एमीसेट 436 किलो का एक सैटेलाइट है, और जो किसके लिए है, मिलिट्री को हेल्प करने वाला है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होगा, एलइएलआईएनटी का आप बोल सकते हो, तो एलइएनटी भी पूछ सकते हैं, एमीसेट भी पूछ सकते हैं क्या चीज है। और C-45 इसको लेके जाएगा, 3-orbit मिशन होगा, जो पहली बार हम कर रहे हैं कि 3 orbits में अलग अलग हम इसमें पुट करने वाले हैं। अमेरिका के और कुछ और कंट्रीज के भी इसमें सैटेलाइट्स हैं, जैसे लीमर सैटेलाइट्स हैं, यूएस का है। तो देखिए, ये दूसरे देशों के जब हम वहाँ पर रख के आते हैं, मतलब प्लेस करके आते हैं ऑर्बिट्स में, तो उससे हमें बड़ी कमाई होती है। ये मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और उसमें किसी का जा रहा होता है, उसके पास स्पेस बचा हुआ होता है, तो वो छोटे सैटेलाइट्स अगर हों तो वो उसके थ्रू भेज दिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये कैरियज वाला जो सिस्टम है इसके अंदर, इससे बड़ी कमाई होती है, और हमारा जो स्पेस इंडस्ट्री है वो काफ़ी रोबस्ट हो चुकी है, काफ़ी एडवांस्ड है, और वर्ल्ड रिनॉल्ड है, और वैसे स्टेट ओन्ड है, तो हमें इसके लिए प्राउड होना चाहिए बहुत ही ज्यादा। क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन आपको फैक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, काकतीय डायनेस्टी के ऊपर एक न्यूज आई है। रामप्पा टेम्पल है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कोशिश कर रहा है, 2014 में ही इसको मिल जाता, लेकिन अब तक मिला नहीं है ये। तो ये यूनेस्को साइट के लिए, ये स्टैंड अलोन यूनेस्को साइट है, तेलंगाना में पहली होने वाली है, ये आपको याद रखना है। तेलंगाना नया स्टेट बना था 14 में, तो ये पहली होने वाली है। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका जो आर्किटेक्ट था, जो रामप्पा जो था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, कोई लॉर्ड के नाम पे इसका टेंपल का नाम नहीं है। तो शायद ये पहला होगा कंट्री में जो कि इसके आर्किटेक्ट के नाम से टेंपल का नाम रखा गया था, रामप्पा। काकतीय डायनेस्टी जो थी वो 12वीं और 13वीं 14वीं सेंचुरी के अंदर थे, और उसके बाद नायकास आए थे, उन्होंने उनको रिप्लेस किया था। उसके बाद जो सल्तनत फेज भी चल पड़ा था, तो उन्होंने भी उसको रिप्लेस किया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंटली थे। और ये वारंगल जो थी, वो आज के दिन जो वारंगल है वो इनकी कैपिटल थी, साउथ इंडियन डायनेस्टी ये थी, ठीक है। और कैपिटल उरुगल्लू बोलते थे, जो आज वारंगल बोला जाता है, उरुगल्लू वारंगल का पुराना नाम है। तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एंशियंट हिस्ट्री से कि पुराना नाम क्या था इस सिटी का। इसके अलावा इसी काकतीय डायनेस्टी से ही रिलेटेड है कुछ है, जैसे 1000 पिलर टेम्पल है, एक वारंगल फोर्ट है, एक कोटा गुल्लू है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स हैं जो इसी डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, काउ टॉयलेट्स के रिगार्डिंग बात है। देखिए, एक तो इनमें अमोनिया निकलता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये पूछ लेंगे कि काउ यूरिन में या फिर कैटल्स के अंदर क्या क्या निकलते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं। तो अमोनिया का काफी ज्यादा मतलब सीक्रेशन होता है जो इनके यूरिन में होता है, और ये जैसे हमारे यूरिन में क्या होता है, यूरिया वगैरह सब होते हैं, तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है गैस जब ये पानी में मिलता है, तो ये पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, ये एक पोल्यूटेंट भी है अमोनिया, आपको याद होना चाहिए। जो नाक्स जो है उस लिस्ट के अंदर अमोनिया का नाम है, और ह्यूमंस की आईज में भी इरिटेशन करता है, और ज़्यादा अगर इसको इनहेल कर लिया जाए तो ये डेंजरस भी हो सकता है। ऐसे ही कैटल्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पोल्यूशन वाला फैक्टर होता है, वो ये होता है कि CH4 मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, इनमें रूमेन होता है इनके स्टमक में, और ये जुगाली करते रहते हैं, तो बहुत सारा जो है गैस का प्रोडक्शन उनके बॉडी में होता है, तो उसमें मीथेन बहुत ज़्यादा होती है। तो कैटल्स वो एक बहुत बड़ा रीजन है दुनिया के अंदर जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, और ये हमें लगता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो एडिशन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर मीथेन का, वो कैटल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो चीज़ आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, और जो क्लाइमेट चेंज के अंदर बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना कैपेसिटी होती है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की CH4 के अंदर। तो ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, एक तो पैडी के जो फील्ड्स होते हैं, धान के जो खेत उगते हैं, उनसे बहुत निकलता है, क्योंकि बैक्टीरियाज वहाँ पे काम करते हैं और वो CH4 प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही बैक्टीरियाज इनके आंतों में भी होते हैं, और ये जो फाइबरस जो फूड खाते हैं सारा, ये जो चारा खाते हैं, उससे वो प्रोड्यूस होता है, और मीथेन ये भी बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये CH4 और अमोनिया दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, अमोनिया इनके यूरिन में होता है, और मीथेन जो है वो वैसे प्रोड्यूस होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब दो क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो प्रीलिम्स GS1 में आए थे पिछले साल, आपको मेहनत ये करनी है, आंसर तो आपको बताना है मुझे, मैं आपको ये समझाता हूँ क्यों पूछा गया था। पहली चीज़ जो चल रहा है सिस्टम हमारे प्रेजेंट के अंदर, उसमें ये है कि ओपोजिशन को बहुत रिड्यूक्यूल किया गया है, उसको पूरा क्रश करने की पूरी मतलब अपेरेंट कोशिश है, ये तो साफ ओपन ही चीज़ें हैं।
और सोशल मीडिया और इन सब का जो रोल है, जिसके अंदर कोई भी मतलब ऐसा नेता नहीं बचा है जो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलता हो और फिर उसको मॉक नहीं किया गया हो। और वैसे भी पार्टीज की बात की जाए तो सीट्स भी बहुत कम उनको मिली थी, और इसलिए उन्होंने एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं डिक्लेयर कर पाए थे शुरुआत में, और उसके ऊपर बहुत लफड़े हुए थे। लीडर ऑफ अपोजिशन वाला जो इशू था, इसके अंदर एक तो लोकपाल नहीं डिक्लेयर कर पाए थे, गवर्नमेंट ने ये बोला था कि क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल है इसमें होना चाहिए कमेटी के अंदर, और वो है ही नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका इशू। सीबीआई डायरेक्टर वाले इशू के अंदर भी लीडर ऑफ अपोजिशन का इशू था। ऐसे ही दो और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो कमिटीज होती है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जरूरी होता है, तो वो डिक्लेयर्ड नहीं था। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को कर दिया गया है, तो काफ़ी सारे न्यूज़ आती रहती हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज आती रहती हैं, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रिगार्डिंग थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही लेजिटमेट हो गया था पिछले साल आईएएस के ऊपर। और इंडिपेंडेंस के बाद में क्या सीन रहा है वो भी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली लोकसभा के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओपोजिशन के अंदर स्वतंत्र पार्टी थी, तो ये सही है, जो एक अकेली पार्टी थी, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस का पूरा डोमिनेंस था, स्टेट्स में भी और सेंटर में भी कांग्रेस ही कांग्रेस थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी, और हमारे सिस्टम वाइज भी। और देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर सारा सेंटर्ड था। लोकसभा में अगर पार्टी को मिनिमम 75 मेंबर्स नहीं होते हैं तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है, क्या ये रूल है, तो इसलिए आपको पढ़ना है पॉलिटी के चैप्टर में, और ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में। तो मैंने रीजन आपको समझा दिया है क्यों क्वेश्चन आया था, और इस बार भी क्यों आ सकता है, इसी तरह से रिलेटेड आज इस बार के जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर बेस्ड ही स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पिछले साल के पेपर को। तो हम ऐसा करेंगे कुछ क्वेश्चन अभी डेली बेसिस पे ले लेंगे एक एक क्वेश्चन, और उसको मैं एनालाइज करूंगा, और आंसर जो है आपको बताने को जरूरी होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और हम ये देखेंगे पूरा पैटर्न समझ लेंगे प्रीलिम्स से पहले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, और इस बार क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी। जैसे इस बार सीबीआई डायरेक्टर का ये सब कुछ है, तो आपसे सीबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपसे इसी लीडर ऑफ अपोजिशन के इशू के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरह के कई सारे फेमस बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यूनेस्को ने ये बोला था, एक डायरी बनाई उन्होंने जिसमें वर्ल्ड के ऐसे आइटम्स हैं जो फ्यूचर में नहीं रहेंगे, आज तो हम उनको देख सकते हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं रहेंगे, गायब हो जाएंगे। तो अराल सी जो है, अब इसकी लोकेशन आप मुझे मैप के ऊपर बताओ, दो कंट्रीज के ऊपर मतलब बॉर्डर के ऊपर ये लोकेटेड है अराल सी, ये देखना आपको, ये जिसका ओरिजिनल जो इसका साइज था उससे 10% से भी कम ये रह गया, सारा भाप बन के उड़ गया है, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो फ्लो है वो कम हो गया है जो नदियां इसमें आती हैं, और बाकी ये सारा इवेपोरेशन के कारण सारा गायब होता जा रहा है, तो ओरिजिनल से 10% से भी कम ये बचा है, और फ्यूचर में पूरा गायब हो जाएगा वहां से, ये पूरा लेक है एक्चुअल में अराल सी नहीं है, ये गायब हो जाएगा। ब्लैक सी इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सी ही है, ये लेक नहीं है, लेक बेकाल है, ये भी आपको देखनी है। मैप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैप के क्वेश्चन मैं वैसे भी आपको देता रहता हूँ, उसके ऊपर मैंने पूछा भी आपसे अराल सी और लेक बेकाल के बारे में, तो आप फिर से मैप देखना और मुझे बताना अराल सी के बारे में। ये लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थी, एक दो साल से चल रहा था कि ये गायब होने वाला दुनिया से, तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है। थैंक्स अ लॉट, आज का लेसन कैसा आपको लगा ये मुझे जरूर से बताना, अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इनको शेयर भी किया कीजिए, और पीआईबी का लेसन बिल्कुल मत छोड़ा कीजिए, शाम को पीआईबी का लेसन आता है और डेली आता है, और संडे को बस नहीं आता पीआईबी, संडे को लेकिन हिंदू एडिटोरियल जरूर से आते हैं, तो ये सब आपको देखने हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स अ लॉट।